त्यारे नरेन्द्र मोदी स्टेडियम में आती काले फाइनल नो जंग खेलावा जाए रहो छे अने आ जंग माटे नो जे उत्साह छे ते केवो छे प्रतीक जणावी रहा छे। प्रतीक अमारी साथे जोड़ायेला छे। प्रतीक ने पूछवा मांगीशुं जे प्रमाणे आती काले गुजरात टाइटन्स अने चेन्नई सुपर किंग्स वच्चे जे मैच रमावा जाई रही छे फाइनल मैच, त्यारे गुजरातीओनो उत्साह केवो? किनारे आती काले चेन्नई सुपर किंग्स अने गुजरात टाइटन्स वच्चे फाइनलनो जंग जामवानो छे नरेन्द्र मोदी स्टेडियम के जे विश्वनुं सौथी मोटुं स्टेडियम आवेलुं छे अने स्टेडियमनी बहार मोटी संख्यामां क्रिकेट प्रेमीओ उमटी चूक्या छे कारण के आवतीकालनो जे मुकाबलो छे તે ગુરુ અને શિષ્ય વચ્ચેનો છે કારણ કે હાર્દિક પંડ્યા કે જે ગુજરાત ટાઇટન્સનો કેપ્ટન છે તે હાલ મહેન્દ્રસિંહ ધોનીની આગેવાનીમાં જ તૈયાર થયો છે ત્યારે બંને ટીમને સમર્થકો સ્ટેડિયમની બહાર આવીને પહોંચ્યા છે અને પોતાની ટીમને સપોર્ટ કરવા માટે આગલા દિવસથી સ્ટેડિયમની બહાર પહોંચીને સપોર્ટ કર્યા છે। સાથે જો વાત કરવામાં તો મોટી સંખ્યામાં ક્રિકેટ પ્રેમીઓ છે તે સ્ટેડિયમ પર ટિકિટ લેવા માટે પડાપડી કર્યા છે, જો કે ઓનલાઈન ટિકિટ છે તે માત્ર 15 મિનિટની અંદર જ તેનું વેચાણ પૂર્ણ થઈ ગયું, તેમ છતાં પણ આજે સ્ટેડિયમની બહાર લોકો આવીને ટિકિટ મળે તેવી આશા અપેક્ષા રાખી રહ્યા છે। કેટલાક સમર્થકો સાથે સીધી વાત કરશું। આવતીકાલે સીએસકે અને ગુજરાત ટાઇટન્સની મેચ છે, ફાઇનલ મેચ છે, કોણ જીતશે અને શા માટે? गुजराती जीतेगा और जिस हिसाब से परफॉर्मेंस किया गुजरात ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया है। सभी खिलाड़ियों ने अच्छा खेला है, सभी जबरदस्त खेला है और हार्दिक पांड्या ने अच्छी कप्तानी की है। शुभमन गिल जिस हिसाब से फॉर्म में चल रहे हैं, मैं चाहूँगा ऐसे ही फॉर्म में भी कल भी चले और ये कप हम ही जिताएंगे, ये हम जीतेंगे और ये जो कप है ये हम ही जीतेंगे। जैसे चेन्नई ने बैक टू बैक जीता था ऐसे अभी गुजरात भी बैक टू बैक करेगा। अरुण, आप हर बार अलग अलग टीम को सपोर्ट करते हो, इस बार गुजरात को आप सपोर्ट कर रहे हो, कल की मैच में आप किस तरह से सपोर्ट करोगे ताकि लोगों का जुस्सा जो है बढ़े? मैं हर बार गुजरात को ही सपोर्ट करता हूं और ज़बरदस्त मैं जैसे पेंटिंग करके आता हूं पूरा गुजरात जीटी को पूरा सपोर्ट करता हूं। अगले साल भी मैं जीटी से जुड़ा हुआ था और इस बार भी मेरे को जीटी ने भी बहुत अच्छा सपोर्ट किया था, जो मैंने बहुत अच्छा सपोर्ट किया था और इस बार भी हम ही जीतेंगे, गुजरात ही जीतेगा। बिल्कुल, किनारी वधु एक क्रिकेट प्रेमी छे ते पण खूब ज दूर थी आ मैच ने जोवा माटे आव्यो छे, ते चेन्नई सुपर किंग नो सपोर्टर छे, तेनी साथे सीधी वात करशुं। जो के आजे सपोर्टर छे तेमने हिंदी थोड़ू ओछू आवडे छे एटले टूटू फूटू हिंदी बोलशे। आप कहां से आए और किसको सपोर्ट करने के लिए, क्यों सपोर्ट कर रहे हो आप? मैं तमिलनाडु से नीलगिरी ऊटी से आ गया, ये चेन्नई सुपर किंग सपोर्ट करने आ गया। ये बिल्कुल, क्यों चेन्नई को क्यों सपोर्ट कर रहे हो और माही भाई का ये लास्ट मैच है और लास्ट सीजन भी माना जा रहा है, आप क्या कहोगे? माही भाई का लास्ट मैच नहीं, माही भाई कब टिल सीएसके एंड माही भाई है, सीएसके माही भाई दो अलग नहीं। बिल्कुल, लोग कह रहे हैं कि कल की मैच में गुजरात जीतेगा सीएसके हारेगा, क्या बोल रहे हो आप? ये किधर जाएंगे, एक ऊपर एक नीचे, ये गुजरात तो एक टाइम लास्ट टाइम विन आ गया, नेक्स्ट टाइम लूज श्योरिटी नहीं है, 100% चेन्नई विन आ गया और विन नहीं और चेन्नई विन और गुजरात विन का प्रॉब्लम नहीं, ये धोनी गेम का अंदर आना देखना, ये मेरा विश्वास, ये धोनी का देखना है, मैं इधर से आ गया। આ ખેલ દિલ્હીની ભાવના છે, ધોનીને જોવા માટે સ્પેશિયલી આજે ક્રિકેટ પ્રેમી છે તે તમિલનાડુથી અહીંયા આવ્યા છે અને તે આશા રાખી રહ્યા છે કે હાર જીત તો એક ગેમનું પાસું હોય છે, કોઈ પણ ટીમ જીતી શકે છે, પરંતુ ધોનીને સ્ટેડિયમમાં રમવા જુઓ એ ખૂબ મોટો મોકો છે અને આ મોકો ઉઠાવવા માટે આ દર્શક આવ્યા છે। જો કે મોટી સંખ્યામાં અહીંયા ક્રિકેટ પ્રેમીઓ અહીંયા પહોંચીને તમામ જે ટીમ છે તેમનો જુસ્સો વધારી રહ્યા છે, જો કે દર્શકોમાં નારાજગી પણ એ વાતની જોવા મળી રહી છે કે ટિકિટનું વેચાણ ખૂબ જ ઝડપી થઈ ગયું હતું અને અનેક એવા હજારો ક્રિકેટ પ્રેમીઓ અહીંયા ઊભા છે કે જેમની પાસે ટિકિટ નથી, તે ટિકિટ માટે આશા રાખી રહ્યા છે કે તેમને ટિકિટ મળે અને આવતીકાલની જે મેચ જોવા રોમાંચક બનવાની રીતે મેચ એમને જોવા મળે, કારણ કે આવતીકાલની મેચ ખૂબ જ રોમાંચક થવાની છે, કારણ કે સામે ગુજરાત ટાઇટન્સ કે જે ગયા સાલનું વિનર છે અને સાથે સીએસકે જે ખૂબ જ ચેમ્પિયન ટીમ માનવામાં આવી રહી છે, તે મહેન્દ્રસિંહ ધોની ટીમ બંને વચ્ચેનો મુકાબલો છે તે ખૂબ જ રસપ્રદ રહેવાનો છે, જેને જોવા માટે ક્રિકેટ પ્રેમીઓ આતુર બન્યા છે। બિલકુલ, ત્યારે જે પ્રમાણે પ્રતીક સાથે ઘણા બધા ફેન્સ પણ જોડાયેલા છે, પ્રતીક આપની પાસેથી એ પણ જાણવા માંગીશું, ધોનીના ફેન્સ પણ છે, હાર્દિકના ફેન્સ પણ છે, ત્યારે આ જો જે ક્રિકેટર્સ છે, આ ખેલાડીઓ છે, તેમના ચહિતા ખેલાડીઓને આ ફેન્સ જો એક મેસેજ આપવા માંગે છે તો એ શું હોઈ શકે? બિલકુલ કિન્નરી, જો વાત કરવામાં આવે ધોની અને હાર્દિક પંડ્યા બંને ટીમના સપોર્ટર્સ અહીંયા છે, આ જે દર્શક છે ક્રિકેટ પ્રેમી છે તે ધોનીના સપોર્ટર્સ છે અને ધોનીના જેવા જ લાંબા વાળ કરીને સ્ટેડિયમમાં આવ્યા છે, તેમની સાથે પણ વાત કરવાનો પ્રયત્ન કરીશું। આપ કહાં સે આયો ઓર કિસકો સપોર્ટ કરો? મેં તો માહી ભાઈ કો સપોર્ટ કરો, ચેન્નઈ સુપર કિંગ, મેં ઓડિશા સે આયા હું, લેકિન ઓડિશા સે જો રાહુલ કલામ મેં રહેતા હું વહાં સે રાંચી બહોત સામને
तो मैं 2 घंटा का रास्ता है वहाँ से माही भाई का घर का, तो मैं जब भी जाता हूँ उनसे मिलता हूँ, और मेरा फ्रूट का दुकान है तो जब भी मैं फ्रूट लेके जाता हूँ माही भैया को देता हूँ, उनको अमरूद बहुत पसंद है। बिल्कुल, कल का मैच है माही भाई है और दूसरी तरफ है हार्दिक पांड्या, और ऐसा माना जा रहा है कि ये जो मैच है वो माही भाई का लास्ट मैच है, कितना दुख होता है इनको अब स्टेडियम में नहीं देखोगे तो? देखिए वो तो एक ना एक दिन तो रिटायर होंगे, वो सबको मालूम है, लेकिन अभी तो फिलहाल वो अपना मुँह से तो बोले ही नहीं कुछ। लास्ट इंटरव्यू में वो बोले कि मेरे को अभी 2-4 महीना का टाइम चाहिए, जनवरी फरवरी तक मैं अपने आप को देखूंगा, फिट होगा तो आगे बढ़ूंगा, उस हिसाब से डिसीजन लूंगा। बिल्कुल अरुण, आपसे पूछना चाहूंगा कि कल की जो मैच है खूब इंटरेस्टिंग मैच होने वाली है, गुजरात के कौन कौन से प्लेयर है की प्लेयर से जो अच्छा परफॉर्म करेंगे और कल गुजरात को जीत दिलाएंगे? शुभमन गिल जबरदस्त जिस तरह में खेल रहे हैं, और शुभमन गिल खेलेंगे, और देख लेना आप कल हार्दिक की चाल, राशिद खान की चाल, और जीटी करेगा धमाल, तमाम दर्शकों आशा रखी रहे गुजरात की होम टीम से लेकर गुजरात टाइटन्स आवतीकाल फाइनल में माही महेंद्र सिंह धोनी ने CSK ने हरा हुए आवतीकाल में IPL नो टाइटल्स से पुनः नाम लिखा।